अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने SC/ST संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को जारी रखते हुए 20 मार्च 2018 के कोर्ट के निर्णय पर सरकार के संशोधन को, जिसने इस कानून में सभी प्रावधानों को खत्म करने का फैसला लिया था, उसे खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का प्रावधान जारी रखने और कानून के तहत उस शख्स को अग्रिम जमानत नहीं देने का फैसला किया है। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। वकील पृथ्वीराज चौहान की संसद के इस कानून में संशोधन के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सरकार द्वारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करके 20 मार्च 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के खिलाफ और नया सेक्शन 18A को जोड़ने के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की थी, जिसमें आज जजमेंट आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस पर बोला है कि अब एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी इस मामले में, और इसके अलावा जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पर बैन लगा हुआ था उसे अब ललिता कुमारी जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। और ललिता कुमारी जजमेंट पैरा 107 और पैरा 120 में बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अरेस्ट और FIR दो अलग चीजें हैं, और कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। ये एक बेहतर जजमेंट है, 2-1 से जजमेंट आया है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें दो जजेस ने बोला है कि एंटीसिपेटरी बेल पर एब्सोल्यूट बार नहीं होगा, एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकेगी लोगों को बिना जेल में जाए हुए, पहले भी उससे पहले अग्रिम जमानत का ऑप्शन रहेगा। मेरी खुद की PIL थी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आज ये जजमेंट आया है और सरकार ने इसमें पक्ष रखा था, सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया था, संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था, जिसके खिलाफ हमने ये याचिका दायर की थी।